And this is Vandana, and you are watching 99.9 .9 Engineering Station. So today I am going to discuss some interview questions on heat transfer. This is my ninth episode of interview question series. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you may miss out the upcoming video notification. So this video is important for or beneficial for the chemical, mechanical, and civil engineers. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंटरव्यूज क्वेश्चन सो अगर आप इंटरव्यू में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट हीट ट्रांसफर बताते हैं तो ये पक्की सी बात ये है कि आपसे इन छः क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे तो इससे पहले मैंने कंडक्शन पार्ट के सारे हीट हीट ट्रांसफ़र के कंडक्शन हीट ट्रांसफर मोड के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं अगर कुछ बचे भी होंगे तो मैं बाद में कवर कर लूँगी बेसिकली आज के लेक्चर में हम कन्वेक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज कन्वेक्शन एक्सप्लेन तो कन्वेक्शन इज एज वी ऑल नो दैट द कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर basically second mode of heat transfer it is take place in the liquid or gas so convection heat transfer can be defined as the transport of heat from one point to the another in the form in the fluid as a result of microscopic motion of the fluid the point is important here is that this इज़ द रिजल्ट ऑफ़ दिसकशन मोशन इज़ द रिजल्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ द फ्लू द हीट बींग कैरीड एज अ इंटरनल एनर्जी बहुत ध्यान से फिर से मैं इस रिपीट करी हूँ डेफिनेशन को और इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से ध्यान से देखना ताकि आपको यह एक्सप्लेन करने में ज़्यादा ईजी रहेगा और कोई भी आंसर आकर आप पॉइंट टू पॉइंट देते हैं तो ये इंटरव्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है कि स्टूडेंट को एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज है कमांड है ठीक है तो कन्वेक्शन इज द हीट ट्रांसफर कैन बी हीट ट्रांसफ़र कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इन दॉ इन द फ्लूड एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ द फ्लूड द हीट बी कैरीड एज इंटरनल एनर्जी सो कन्वेक्शन बिटवीन द सॉलिड सर्फेस एंड द एडजस्ट फ्लूड दैट इज इन द मोशन इन्वॉल्व कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड द फ्लूड मोशन तो बेसिकली क्या हो रहा है कन्वेक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ द फ्लूड्स ठीक है और वो जो हीट कैरी कर रहा है वो होता है इंटरनल एनर्जी और कन्वेक्शन जो होता है वो बिटवीन सॉलिड सर्फेर और और एडजेसेंट फ्लूड के बीच में होता है जो कि मोशन में है इन्वॉल्व करती है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन और फ्लूड मोशन दोनों ही इफेक्ट कैरीड करता है ठीक है द डेंसिटी डिफरेंस मे बी ड्यू टू द तो क्या होगा जब दो तरह के फ्लूड मिल रहे हैं और जो सॉलिड सरफेस तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूड के बीच में डेंसिटी डिफरेंस होगा तो डेंसिटी डिफरेंस मे बी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सेम फ्लूड और टू डिफरेंट फ्लूड विद अ डिफरेंट डेंसिटी एट द सेम टेम्परेचर तो क्या होगा डेंसिटी डिफरेंस बेसिकली किस वजह से होता है या तो फिर दो दोनों जो लेयर है लिक्विड की अगर दोनों लेयर सेम लिक्विड की है तो उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ है या तो फिर वो दो लेयर दूसरे अलग अलग फ्लूड की है तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो डेंसिटी डिफरेंस हुआ है ठीक है तो ये डेंसिटी डिफरेंस क्या हो? के बारे में हो गया अब जो जो एक्सटर्नल मीन्स ऑफ एनर्जी इनपुट कुड ऑल्सो इन्वॉल्व द रिलेटिव मोशंस जो एक्सटर्नल मीन्स है एनर्जी इनपुट के वो भी क्या कर रहे हैं रिलेटिव मोशन को इन्वॉल्व इंड्यूस कर रहे हैं ठीक है तो ये था कन्वेक्शन के बारे में कन्वेक्शन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन से सबको पता है लेकिन इसको पर्टिकुलर डेफिनेशन में बताना ही इंटरव्यूवर के ऊपर इफेक्ट डालेगा तो जो कंडक्शंस uh, होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं नेचुरल कन्वेक्शन जो कि हम जिसको हम फ्री कन्वेक्शन भी कहते हैं और दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन ठीक है तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है नेचुरल कन्वेक्शन इफ द फ्लूड मोशन इज कॉज बाई द बोइंसी फैक्टर्स जो कि फ्लूड का मोशन अगर बोइंसी फोर्स की वजह से इन्वॉल्व uh, होता है फोइंसी फोर्स दैट आर इंड्यूस्ड डेंसिटी डिफरेंस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ फ्लूड टेम्परेचर और ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इन द डेंसिटी ऑफ द ट्यूब फ्लूड फ्लो एजेंट टू द इच अदर और द सॉलिड फ्लूड इंटरफेस आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर तो बेसिकली नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन में बोइंसी फोर्स की वजह से जो फोर्स बोइंसी फोर्स की वजह से जो फोर्स फ्लूड uh, में आ रहा है मोशन क्रिएट हो रहा है उसकी व उसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन और ये बोइंसी फोर्स जो हो रहा है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है डेंसिटी डिफरेंस के बीच बीच वजह से और ये डेंसिटी डिफरेंस जो है वो किसी भी दो फ्लूड के बीच में लेयर के बीच में हो सकते हैं या तो फिर जो सॉलिड और एडजेसेंट लेयर के बीच में हो सकता है वो होगा जो होगा उसमें नेचुरल कन्वेक्शन होगा तो कन्वेक्शन करेंट आर इंड्यूसड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस ओनली विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट नहीं ले रहे हैं इसका मतलब क्या है लोकल विलासिटी आर जनरली लो जो हमारा लोकल विलासिटीज होगा वो जनरली लो होगा और गिविंग राइज टू नियर द लेमिनार फ्लो कंडीशन ये हमारा क्या होगा लेमिनार फ्लो कंडीशन दिखाएगा क्योंकि जो हमारा जो लोकल वेलोसिटी है वो काफ़ी लो है अब फोर्स कन्वेक्शन की बात करें तो फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है कि फोर्स कन्वेक्शन ओवर द सर्फेस बाय द एक्सटर्नल मीन वी यूज एक्सटर्नल मीन फॉर डूइंग द फोर्स कन्वेक्शन लाइक सच एज फैन पम्प मिक्सचर और एनी विंड्स इन एडिशन टू द नेचुरल ट्रांस टेम्परेचर डिफरेंस इंड्यूस कन्वेक्शन करें तो इस केस में क्या होता है ये बेसिकली क्या कर रहा है ये इंक्रीज कर रहा है लोकलाइज्ड विलासिटी को टू इंक्रीज़ द टर्बुलेंस हम बेसिकली क्या कर रहे हैं फोर्स कन्वेक्शन में हम जो लोकलाइज विलोसिटी है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं टू इंक्रीज़ द टर्बुलेंस और उससे क्या होगा कि ये जो होगा हीट हीट ट्रांसफर कोफिशिन जो होगा वो इंक्रीज़ होगा और यहाँ पर हम इसको टर्बुलेंट रीज़न में फ्लो कंडीशन में इसको कंसिडर करेंगे ठीक है तो इसके अगर हम नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल देख लें तो क्या होगा एयर सर्कुलेशन इन द इन द एटमोस्फेयर ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन द ओशन ओवर एंड लेक्स ठीक है ये इसके एग्जाम्पल हो गए तो इसी तरीके से कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशन तो हीट ट्रांसफर कोफिशियन का सिग्निफिकेंस बताना है उससे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि हीट ट्रांसफर कोफिशियन क्या होता है और ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो कन्वेक्शन का लॉ है ठीक है मतलब कन्वेक्शन uh, जो गवर्न करता है लॉ वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है पोश्चुलेट दैट न्यूटन्स पॉश्युलेट दैट द हीट ट्रांसफर क्यू जो हीट ट्रांसफर क्यू जो होता है इज़ प्रपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो ये हीट ट्रांसफर जो न्यूटन्स ने पॉशलेट किया कि हीट ट्रांसफर क्यू जो है वो जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द है किसके सर्फेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया जो ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट को हम रिमूव करेंगे तो वो जो होता है वो हमारा होता है हीट ट्रांसफर कोफिशियन वो होता है प्रोपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट ठीक है उसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्रोपोशनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है वो होता है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट तो ठीक है तो ये जो होता है एच जो है वो विच लम्स टूगैदर सेवरल फैक्टर्स दैट गवर्नस द हीट ट्रांसफर प्रोपेशन तो हीट ट्रांसफर जो न्यूटन स्टॉव कूलिंग क्या होती है क्यू इज़ इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी ठीक है टी एस माइनस टी इन्फिनिटी यहाँ एच जो है वो हो गया हीट ट्रांसफर कोफिशियन जिसकी यूनिट ध्यान से दिखेगा इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड जबकि अगर हमने कंडक्शन में पढ़ा होगा उसमें थर्मल कंडक्टिविटी की वहाँ पर जो पोशनैलिटी कांस्टेंट होता है वो है थर्मल कंडक्टिविटी उसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड जबकि हीट ही ट्रांसफर कोफिशेंट की होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है और यहाँ पर टी इन एस जो है वो होगा सरफेस टेम्परेचर और टी इन्फिनिटी जो है टेम्परेचर ऑफ़ द फ्लूड फ्लूड होगी ठीक है तो इस तरीके से हमें पता गया चल गया अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि हीट ट्रांसफर कोफिशेंट इज़ द पैरामीटर हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द वेरिएबल सच वेरिएबल दैट इन्फ्लूज कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफर कोफिशेंट का एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर जो कन्वेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है जो कन्वैक्शन को इफेक्ट करती है जैसे कि नेचर ऑफ़ द फ्लूड इन मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टी किसकी फ्लूड की प्रॉपर्टी बल्क फ्लूड वेलोसिटी सरफेस जियो जियोमेट्री एंड सो ऑन और ये एच जो है एच इज़ नॉट ए इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी इट इज़ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि आपको ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है ना कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज थर्मल बाउंड्री लेयर थर्मल बाउंड्री लेयर व्हाट इज थर्मल बाउंड्री लेयर तो बेसिकली ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अ लेयर अक्रॉस विच देर इज अ सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस एंड द हीट ट्रांसफर इज इज प्रोमिनेंट वाया हीट कंडक्शन ठीक है ऐसा लेयर अक्रॉस विच जहाँ सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो और वहाँ पे हीट ट्रांसफर जो है प्रोमिनेंट है बाय वाया है हीट कंडक्शन के और थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो थिकनेस थिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोलॉ हाइड्रो डायनमिक बाउंड्री लेयर ठीक है इसका थर्मल बाउंड्री लेयर जो है जो इसका डायग्राम अगर आपको याद हो यहाँ मैंने आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ नहीं तो मैं आपको दिखाती जरूर कि थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रो हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर में क्या डिफरेंस है तो यहाँ पे प्रेंटल नंबर अगर हम प्रेंटल नंबर की बात करें तो प्रेंटल नंबर बहुत अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि प्रेंटल नंबर कंट्रोल्स द रिलेटिव थिकनेस ऑफ दी मोमेंटम एंड थर्मल बाउंड्री लेयर जो प्रेंटल नंबर ही है वो कंट्रोल करता है रिलेटिव थिकनेस ऑफ मोमेंटम एंड थर्मल बाउंड्री लेयर तो थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर दाई हाई प्रेंटल नंबर फ्लूड लाइक वाटर इज मच लेस देन दी हाइड्रो हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस ठीक है अब प्रेंटल नंबर अगर लेस देन वन है ठीक है विच इज इन द केस ऑफ एयर एंड मैनी अदर गैसेज At the standard condition, the thermal boundary layer is the thicker than the hydro boundary layer. Mercury and the liquid metals have far less value of Prandtl number than gases, and the boundaries layer thickness are much higher. So when the Prandtl number is equal to one, the boundary layer thickness is are nearly same. ठीक है तो ये प्रेंटल नंबर के साथ इसका रिलेशंस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से प्रेंटल नंबर के साथ इसके थर्मल बाउंड्री लेयर की आ, थिकनेस वेरी करती है नेक्स्ट क्वेश्चन और गया है व्हाट इज कोलबन जेथ फैक्टर व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस ठीक है तो ये जेथ फैक्टर सबसे पहले बात करने की बात ये है कि जेथ फैक्टर्स क्या होता है वो क्या इन्वॉल्व करती है और किस तरीके से वेरी करती है हीट और मास ट्रांसफ़र में और इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो बेसिकली जेद फैक्टर इज़ इन्वॉल्व इन ऑब्जर्विंग एनालॉजियस कंडीशन बिटवीन द मोमेंटम और हीट ट्रांसफ़र तो जेद फैक्टर क्या है वो ऑब्जर्व करने के लिए है कंडीशंस क्या क्या है मोमेंटम और हीट ट्रांसफर में अगर हम बात करें द एनालॉजी बिटवीन द हीट एंड मोमेंटम मोमेंटम इज इन्वोल्व बाय एज्यूमिंग दैट द डिफ्यूजन ऑफ मोमेंटम एंड द हीट अगर बाय एसेंशियली द सेम मैकेजम सो दैट रिलेटिव सिंपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मोमेंटम एंड हीट ट्रांसफर कोफिशेंट बेसिकली क्या होता है कि एनोलॉजी बिटवीन हमने कैरिड आउट अगर हमें निकालना है इन्वॉल्व करना है हीट और मोमेंटम के बीच में तो हमने एज्यूम किया कि डिफ्यूजन ऑफ मोमेंटम और हीट ट्रांस हीट अगर बाय द the same mechanism so that relative simple relationship exists between the momentum and heat diffusion coefficient. So Colburn, Colburn has defined jth factor for the momentum as Kaunsa Colburn the jth factor momentum ke liye kiya? ki J, Jm is equal to f upon 2. एफ अपॉन टू हेयर द एफ इज़ अ फ्रिक्शन फैक्टर एंड जे फैक्टर फॉर द हीट ट्रांसफर वॉज अज्यूम टू बी द इक्वल टू जे फैक्टर फॉर द मोमेंटम ट्रांसफ़र एंड डिज़ाइंड एज अ जे एच मतलब कि दोनों ही इक्वल है हीट और मोमेंटम में दोनों ही जे एम इज इक्वल टू एफ वाई टू इज इक्वल टू जे एच ठीक है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है क्या एच सी पी एच अपॉन सी पी जी एन प्रेंटल पावर टू बाई थ्री मैं यहाँ फिर से क्लियर करके लिख देती हूँ कि होती है जे एम इज़ इक्वल टू एफ वाई टू इज़ इक्वल टू जे एच ठीक है और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है एच अपॉन सी पी g n प्रेंटल टू पावर टू बाई थ्री ठीक है ये हमारा हो गया कॉन्सल रिलेशन कॉर्बन एनोलॉजी ठीक है यहाँ h जो है ट्रांसफर ट्रांसफोकोफिशेंट g है जो मास वि विस्कोसिटी है और वी पी जो है वो विसिटी को मल्टीप्लाई किया है डेंसिटी से ठीक है तो ये इसके बारे में हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि व्हाट इज वट आर द डिफरेंट्स मोड ऑफ कंडक्शन एंड एक्सप्लेन तो डिफरेंट मोड ऑफ कंडक्शन कौन कौन से हैं ड्रॉपलस ड्रॉप ड्रॉप वाइज कंडेंशेसन एंड द फिल्म वाइज कंडेशन तो हम पहले ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को डिस्कस कर लेते हैं तो इन ड्रॉप वाइज कंडेशन द ड्रॉप ऑफ लिक्विड आर फॉर्म फ्रॉम वेपर ऑफ पर्टिकुलर फेवर्ड लोकेशन कॉल न्यूक्लिएशन साइट सो द सॉलिड सर्फेस The location can be in the form of pits or any other surface irregularity that may be thousands in number per unit surface area. The drop grow by the continued condensation and collapse with the adjacent drop forming large drop then they detach from the solid surface by action of gravity or by swapping action by the moving vapor clearing the surface and explore its to the vapor, so the droplets dropwise condensations occur on the surface that are not readily wettable, such as oily or extremely smooth surface, and the condensate does not spread on the surface and detach once they grow to the to be influenced by the gravity or by sweeping action by the vapor. Again, if we talk of and although the dropwise condensation give a high heat transfer co coefficient its formation is used unstable and unpredictable under the process condition if we talk about the film condensation in the film condensation the initial formed drop quickly collapse and spread as a film on the solid surface the film act as a barrier for the heat transfer to condense more liquid thus it offer more resistance for heat transfer that than the drop dropwise condensation consequently heat transfer coefficient are far less for film condensation than the dropwise condensation so film condensation is the no normal mode of practice and therefore assume in the heat transfer estimated for design purpose

Promoting chemicals into the vapours by adding a promoting chemical into the vapours and the trending the surface the with a promoting chemical promoters includes waxes, fatty acid like oleics, etc. and so on. And next point is that coating the surface with a polymer like Teflon or the noble metal like gold, silver. रोडियम प्लैटिनियम और प्लैटिनियम ठीक है तो इस तरीके से हम आ, जो है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन अचीव कर सकते हैं तो ये सारे क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड किससे कन्वेक्शन से रिलेटेड इससे रिलेटेड और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आज के लिए इतना ही अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और साथ ही मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे